2 दिवसीय भागलपुर प्रवास पर पहुंचे प्रख्यात चिंतक और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव केएन गोविंदाचार्य ने आनंदराम सरस्वती विद्या मंदिर में परिवार मिलन कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी अनुवांशिक संगठन के कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान आरएसएस के भागलपुर प्रचारक रह चुके केएन गोविंदाचार्य ने लोगों से भागलपुर राजनीतिक गतिविधियों का भी हाल जाना। इस दौरान भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि वह अब किसी राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं और पत्रकारों के द्वारा भाजपा से टिकट लेने के लिए उम्मीदवारों के द्वारा संघ के शाखा में हाजिरी लगाए जाने के एक सिरे से नकार दिया। कार्यक्रम के दौरान हरिवंश नारायण सिंह, राणा प्रताप सिंह सहित भागलपुर के कई सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों के लोग मौजूद थे। केएन गोविंदाचार्य: मैंने अपनी बात पूरी की, इसके अलावा या इसके बारे में कुछ और जानना हो तो मुझे मालूम होगा तो बताऊंगा। ये जैसे भागलपुर लंबे समय बाद आया, लोगों से भी मिले, कार्यकर्ताओं से, चुनाव का मौसम है तो चुनाव के मौसम में आपका विजिट एक मायने रखता है, तो आपसे कई कार्यकर्ताओं ने ये भी कहा क्या टिकट विकट? नहीं, मेरे बारे में सामान्यतः लोग, मुझे अच्छा लगा, लोग इतना तो समझ गए हैं मैं किसी विशिष्ट राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के नाते ना आया हूँ और ना प्रवास करता हूँ। मैं तो 20 वर्ष पूर्व छुट्टी ले चुका हूँ, इस बात से लोग चूँकि अभ्यस्त हो चुके हैं, इसलिए चुनावी राजनीति की या आप जैसा कहते हैं उम्मीदवारी की मेरे सबसे संबंध ठीक हैं, लेकिन मैं इसमें पढ़ता नहीं। ये मेरा अपना स्वभाव कहिए या मेरी अपनी स्थिति और आवश्यकता कहिए। इसके अलावा जो परिवार मिलन समारोह कार्यक्रम में लोग आपसे आए मिलने जुलने, तो किन मुद्दों पर चर्चा हुई? लोग तो कुछ तो बोले होंगे। क्या बोलते हैं? हालचाल लिए होंगे। एक तो बहुत अच्छी बात होती है, 1965 के ज़माने में मैं यहाँ था तो अधिकांश उस समय के कार्यकर्ता, स्वयंसेवक और मित्र, आज उनमें से बहुतों के दर्शन हुए, तो एक सुखद अनुभूति को शेयर किया सबने अपने पुराने ज़माने की बातों को। 1965 में क्या था? मैं यहाँ आया था प्रचारक होकर। मैंने 62 में MSc किया, 63-64 रिसर्च वर्क में था, 65 में प्रचारक बना, तो मुझे संघ की ओर से उत्तर प्रदेश बनारस से उठाकर बिहार भागलपुर भेज दिया गया। तो 7 महीने मैं भागलपुर रहा, उस समय शाखा कार्य में रहा, तो उस समय के बहुत लोग, स्वाभाविक था, जैसे मैंने आज नाम लिया स्वर्गीय पूरणमल बाजोरिया जी का, वो उस समय नगर कार्यवाह थे, शंकरलाल बाजोरिया थे, मोहनलाल माहेश्वरी मंडल कार्यवाह थे। उस समय में हम लोगों ने बरारी को अलग, मीरजान को अलग, सुजागंज को अलग, नाथनगर को अलग, ऐसे बांट करके शाखा के लिए काम किया था। तो उसके जो थे उस समय के, उनमें से कुछ लोग चले गए तो उनका मैंने हालचाल पूछा कुछ लोगों का, तो मालूम पड़ा कि वो नहीं है, जगदीश मंडल नहीं है, जगदीश उपाध्याय नहीं है, नरसिंह मंडल नहीं है, जगदीश गुप्ता नहीं है, ऐसे भी। अच्छा, एक सवाल ये मेरा है कि जैसे पहले आप जब 65 में यहाँ आए थे, उस वक्त जब शाखा लगाते थे जो लोग आते थे, और अभी जो शाखा लगता है, मैं जो समझ पाता हूँ अभी शाखा में वही लोग आते हैं जिनको लगता है कि मुझे आगे बढ़ना है, टिकट विकट लेना है। पहले था विश्वास, बहुत से लोग आते थे संघ में, कुछ ऐसा अंतर आपको लगता है कहीं? मतलब मैं भागलपुर के परिपेक्ष में नहीं पूछ रहा हूँ, ये ओवरऑल मुझे ऐसा लगा है, बड़ी है निश्चित रूप से, मुझे ऐसा लगा नहीं, मेरे अनुभव में ऐसा नहीं आया। हो सकता है मेरे सामने कोई बात नहीं होती हो या हुई हो, इसलिए मेरा निष्कर्ष ये बनता हो, कि सच्चाई तो ये है कि मेरे ऐसा अनुभव नहीं आया।